नफरत के हथियार से विनाश के चार चार युद्ध लड़े गए, जिसमें बहा तो सिर्फ रिश्ते का खून। हिंदुस्तान ने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पड़ोस से दगाबाजी के खंजर ही निकले। वो दोस्ती की बोली नहीं समझते, दुश्मनी उनकी आस्तीन में छुपी होती है। भरोसे का वो हमेशा कत्ल करते हैं और उनकी सारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार खुलता है, जहां पाकिस्तानी नफरत और हैवानियत के धुंध में हिंदुस्तान अपनी हिफाजत के लिए डटा हुआ है। हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चार चार भयंकर लड़ाइयों की गवाह है। पाकिस्तान के नापाक इरादे और भारत में पाकिस्तान की घुसपैठ का चश्मदीद। हिंदुस्तान की सरहद तो पाकिस्तान के घेरे में जाती है और इसका इतिहास हमें 1947 तक ले जाता है। तब कैसे कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने हमला बोला था और कैसे उरी में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज और कबीलाइयों को पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर किया था, यह किस्सा हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको उस LOC पर लेकर चलते हैं जो हमारे दो जवानों की शहादत से गरमाया हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है कि एक ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन हर हादसे के पीछे क्या वजूहात थी और किन हालात में ये हुआ, इसकी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक, गैर जानिबदार अंदाज में, ताकि आप अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाएं तो एक तीसरा शख्स या हम दोनों इत्तेफाक करें कि भाई ये हादसा इसलिए हुआ। अभी तक ये तय नहीं पाया कि ये हादसे क्यों हुए, किसकी जिम्मेदारी। इस नियंत्रण रेखा को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने पहली बार 1965 में हमला बोला। 2.5 साल पहले चीन ने जिस तरह भारत को धोखा दिया था, उससे पाकिस्तान इस मुगालते में आ गया कि वो भी हिंदुस्तान को तहस तहस कर देगा। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। इस आक्रमण का नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तानी सेना उरी, पुंछ और तिथवाल के पास से ही भारतीय सीमा में घुस आई। चकमा देने के लिए उसने स्थानीय लोगों का लिबास पहन रखा था। 15 अगस्त 1965 को जब देश जश्न आजादी मना रहा था, तभी पाकिस्तान ने सबसे बड़ा घात दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई इतनी मजबूत रही कि 23 सितंबर 1965 को युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने एक हताश, निराश, हारे हुए पाकिस्तान को देखा। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के इस मंसूबे पर पानी फिर गया कि पूरा कश्मीर उनकी मुट्ठी में होगा और दिल्ली उनके दबदबे में। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को अपनी फौज की ताकत का बहुत गुमान था। कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अयूब खान ने फोन करके कहा कि वो दिल्ली में लंच करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बहादुर फौज ने पासा पलट दिया। अब बारी शास्त्री जी की थी। उन्होंने अयूब खान को फोन करके कहा कि बताइए लाहौर में चाय पीने कब आ जाएं। पाकिस्तान के हारने के बाद ताशकंद समझौते से सीमा विवाद तो हल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के तेवर ढीले होने और रिश्ते सुधरने की धुंधली सी उम्मीद जरूर बंधी। ऐसा लगा कि पुरानी कड़वाहटों की गांठ खोलकर पाकिस्तान सरहद का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1965 को पाकिस्तान ने 1971 में दोहराया, फिर 1999 में करगिल की लड़ाई के रूप में। दरअसल आजादी के बाद रिश्तों में खटास और खून खराबे के बीच भारत और पाकिस्तान ने विभाजन की लकीर खींची। उसे तब सीज फायर लाइन कहा गया। वक्त के साथ इसका नाम बदला, लेकिन दुश्वारियां नहीं बदली। 740 किलोमीटर लंबी यह लाइन ऑफ कंट्रोल विवादों और खतरों के बाढ़ से घिरी है। इसकी हिफाजत के लिए करीब 550 किलोमीटर तक 8 से 12 फीट ऊंची दोहरी बाड़ लगी है, जिसमें अलार्म से लेकर मोशन सेंसर्स तक लगा है, ताकि दुश्मनों की हर हरकत पर बारीक नजर रहे। साथ ही हर 500 मीटर की दूरी पर निगरानी चौकी बनी है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल की हिफाजत भी कोई आसान काम नहीं। इस पर करीब 40,000 फौजी जवान दिन का चैन और रात की नींद गंवाकर इसकी हिफाजत पर डटे रहते हैं।
ऐसी ही एक चौकी के पास दुश्मनों की नापाक साजिश का शिकार हो गए हमारे दो जवान लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह। पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत से हिंदुस्तान गुस्से में है और पाकिस्तान अगर मगर की बातें कर रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी पिछले 6 महीने के अंदर 30 इंसिडेंट्स हुए हैं। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जिसके अंदर वो आप बात कर रहे हैं कि वो सर काट दिया, ये इस किस्म की, ये दोनों साइड्स पे हुआ है पहले, अब तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये एक साइडेड नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारी फौज और आपकी फौज एज एन इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं करती। अगर कहीं हो जाता है जैसे कारगिल में दोनों साइड्स की तरफ से छोटा मोटा हुआ, तो ये एक एबरेशन है, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक वॉर के अंदर गुस्से के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के आस्तीन में छुपे आतंक के सौदागर तो बाद में हिंदुस्तानी इलाके में घुसने लगे, लेकिन उन्माद और नफरत का आतंक शुरू से पाकिस्तानी हुक्मरानों के सिर चढ़कर बोलता रहा है। 1971 का युद्ध पाकिस्तान की उसी उन्माद का नतीजा था जिसके बीच वो इसी नियंत्रण रेखा पर वो बार बार बोते रहे। खैर, 1971 की वो जंग एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई। पाकिस्तान के टुकड़े हुए और नियंत्रण रेखा पर शिमला समझौते में नए सिरे से बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तान ने डर के मारे सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसके नेताओं के दिमाग में बैठी जंग की बेताबी नहीं मिटी। हम जहां पर खड़े हैं यहां से थोड़ी ही दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर पाकिस्तान की दोस्ती की कलाई उतर जाती है। कभी इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा जाता था, लेकिन 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। सरहद पर हद से हद ज्यादा साजिश पाकिस्तान की फितरत में समा गई है। नियंत्रण रेखा के बहाने वो कश्मीर का रोना दुनिया को सुनाता है, लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान के दिमाग में कैसे जंग लग चुका है और वो दोस्ती की आड़ में जंग छेड़ देता है। याद कीजिए करगिल के युद्ध को, दोस्ती की बस करगिल की चोटियों से लड़ाई की खाई में गिर गई और जमाने ने देखा नियंत्रण रेखा पर एक और नापाक युद्ध। पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भारत से चार चार जंगों में शिकस्त खाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी नियंत्रण रेखा का सम्मान करना नहीं सीखा। भरोसे की इस खींची गई लकीर को मिटाकर पीठ के पीछे दगाबाजी का खंजर घोंपने की आदत उसकी गई नहीं। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा हराया, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक 1965 के युद्ध में भारत के करीब 3,000 जवान शहीद हुए, तो 1971 की लड़ाई में करीब 3,800 और वहीं करगिल युद्ध में लगभग 500 जवानों ने शहादत दी। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस समय कि पाकिस्तान बिखरता हुआ है तो एकजुट हो जाए, और एंटी इंडिया ग्लू को वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो अपने फोर्स लेवल भी बढ़ाएगा, आपके ट्रेड को भी रोकने की कोशिश करेगा। उसको ये भी लग रहा है कि कश्मीर का एजेंडा आउट ऑफ फोकस, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के फोकस से बाहर चला गया, उनके हाथ से कश्मीर निकलता जा रहा है, इसलिए भी वो ये प्रोवोकेटिव एक्शन लेगा। न तो डिप्लोमेसी के डिनर और न ही तजारत की विरासत ही इस सवाल का जवाब देने की हालत में है कि कब थमेगा एलओसी पर संगी विवाद। फिर भी हम इस सवाल का जवाब टटोलेंगे और आगे आपको बताएंगे कि आजादी के वक्त क्या हुआ था जो सीज फायर लाइन आज तक दहकती जा रही है। आज तक ब्यूरो। बंटवारे की कब्र पर खड़ा हिंदुस्तान पहले दिन से ही पाकिस्तान की खूनी मानसिकता से परेशान है। बंटवारा हुआ तो जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पहले तो आजाद रहने का ऐलान किया, लेकिन जब पाकिस्तान जोर जबरदस्ती पर उतरा तो भारत में विलय के राजीनामे पर दस्तखत कर दिया। इसी संसद भवन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत का साक्षात्कार नियति से कर रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके कलेजे के टुकड़े कश्मीर पर ताजा ताजा पैदा हुए पाकिस्तान की नजर है। 2.5 महीने बाद ही कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग शुरू हो गई। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन उस कश्मीर को हड़पने की चाहत में पाकिस्तान ने 1947 में ही हमला बोल दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को कबीलाइयों के साथ पाकिस्तानी फौज श्रीनगर पर हमला बोलने के लिए पहुंचे।
लेकिन झांगर और नौशेरा में ही भारतीय फौज ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। रही बात श्रीनगर पहुंचने की, तो उरी तक पहुंचते ही पाकिस्तान के पांव अड़ गए। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। हिंदुस्तान की सरहद तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर तक जाती है, लेकिन जहां पर युद्ध विराम हुआ था वहीं पर सीज फायर लाइन मान ली गई, जो शिमला समझौते के बाद बन गई LOC। अब इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कैसे बार बार रिश्ते सुधारने की कोशिश नाकाम हो जाती है ये भी दिखाएंगे, लेकिन बस थोड़ी देर बाद। काश भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का दरवाजा ऐसे ही खुलता, लेकिन वाघा बॉर्डर की तरह रिश्ते के दरवाजे तब तक नहीं खुल सकते जब तक LOC पर सीमा पार से साजिश का व्यापार नहीं रुकता। दिल्ली से हमेशा रिश्ते सुधरने की कोशिश तो होती रहती है, लेकिन इस्लामाबाद उन्हें आबाद होने नहीं देता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश और हमारे जवानों के प्रति उसकी बेरहमी इससे साफ साबित करती है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की हरकतें मधुर रिश्ते की सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। नतीजा ये होता है कि दिल्ली और इस्लामाबाद में बैठकर अमन भरा चमन बनाने का सपना चकनाचूर होता जाता है। छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, मगर दो बहुत बड़े कदम उठा लिए। वीजा रेजीम खुल गई है, ओपन हो रही है और तजारत शुरू हो गई है। आप देखिएगा, जब लोग आना जाना शुरू करेंगे तो लोग अपनी रियासत की जो नैरेटिव है, जो हमें कहा जाता है प्रोपेगेंडा, दोनों हम उनको चैलेंज करना शुरू करेंगे। नियंत्रण रेखा के आर पार व्यापार बढ़ाने की कोशिशें खटाई में पड़ती हैं तो दोस्ती की बस तनाव की खाई में गिरती नजर आती है। इस बार भी LOC पर जो हुआ है उसका बुरा असर सामने आ सकता है। 2008 में नियंत्रण रेखा के आर पार शुरू हुए व्यापार को पिछले साल 16 जून को 2 दिन के लिए रोका गया। इसकी वजह ये थी कि KG सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने लांस नायक हरविंदर सिंह की हत्या कर दी थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान चोरी के बाद सीनाजोरी पर उतर आया है। पहले हिंदुस्तान के 2 जांबाजों को धोखे से मारा और अब भारतीय ट्रकों की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एंट्री पर रोक लगा दी। कूटनीति के मैदान में भी यही हुआ। पाकिस्तान ने दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है और पीछे छोड़ दिया है ये सवाल कि नियंत्रण रेखा को लेकर पाकिस्तान कब और कैसे खुद को नियंत्रण में रखेगा। आज तक ब्यूरो।